मैंने प्रीलिम्स बहुत मुश्किल से मतलब बहुत मेहनत करके पास किया हुआ, अगर मेरा मेंस नहीं निकलेगा तो मेरी दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। मैं तो 2014 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने तो तुक्के में पास किया हुआ है। कोई तुक्के में पास कर रहा है, कोई बड़ी जैसी तैयारी कर रहा है। प्री तो हमने कर लिया है, अब मेंस में क्या करेंगे? टेंशन मत लीजिए। हेलो, वेरी गुड इवनिंग दी ऑफिसर्स। हाँ जी मैम, मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू हो गया था ऑफिसर्स में। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओ यार, ऑफिसर्स में स्टार्ट हो गया है मेंस की टेस्ट सीरीज। हम किसका वेट कर रहे हैं? चलो चलो चलो। मैं आपने सुना आप लोगों को टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। हाँ, हमारी बहुत लेबोरेटरी टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली इट्स नॉट ए टेस्ट सीरीज बिकॉज़ इट क्रैश कोर्स है, जिसमें हमने पूरे आपके जितने भी टॉपिक्स हैं आपके पूरे सिलेबस को हमने 20 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 16 आपके कंपोनेंट वाइज रहेंगे और 4 जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट रहेंगे। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी टेस्ट सीरीज में वो है डिस्कशन सेशन। हम आपके हर टॉपिक का और हर एक जितने भी ईच एंड एवरी टॉपिक की वहाँ पे डिस्कशन होगी। आपको हम रिमार्क्स देंगे। रिमार्क्स का मतलब ये है कि हर पेपर में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आपको डायरेक्टिव्स का यूज करना है, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन से पॉइंट्स जो है जो आपने मिस कर दिए वो सब हम आपको वहाँ पे बताएंगे। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये एक क्रैश कोर्स है जो पूरी जीएस जो है वो आपकी उसमें प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगा, उसको दोबारा से आपकी जो प्रैक्टिस हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका कंसोलिडेट, कंसोलिडेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके पास अब सिर्फ 2.5 मंथ्स बचे हैं और 2.5 मंथ्स में आपके पास ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप ऑल टुगेदर एक नया सब्जेक्ट तैयार करो एक कंपोनेंट का। इसीलिए हमने ये पूरी टेस्ट सीरीज डिजाइन ही ऐसी की है ताकि आपको एक क्रैश कोर्स भी हो सके और साथ ही साथ आपका कंसोलिडेट भी हो सके। थैंक यू मैम, थैंक यू।